हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हनीफ फ्रॉम OneStop चैनल। तो फ्रेंड्स, आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ कि आपका वाईफाई तो ऑन है लेकिन आपको स्पीड नहीं मिल रही? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि वाईफाई की स्पीड कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको गूगल क्रोम या किसी और ब्राउज़र में जाना पड़ेगा और यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा स्पीड टेस्ट बाय ओकला। और आपको जो भी स्टार्टिंग लिंक दिया होगा यहाँ पर, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ये पेज ओपन होने वाला है और इस पर गो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका सर्विस प्रोवाइडर का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, आपका पिंग दिखाएगा, आपका डाउनलोड स्पीड दिखाएगा और आपका अपलोड स्पीड भी यहाँ पर दिखाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा पिंग 2 है और डाउनलोड स्पीड 5 से 7 के बीच में है फ्रेंड्स। और यहाँ मेरा डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हैं 5.25 और अपलोड स्पीड देख सकते हैं 16 Mbps के आसपास कुछ है इसका अपलोड स्पीड। तो अपलोड स्पीड यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह आप अपना वाईफाई का स्पीड या इंटरनेट का स्पीड चेक कर सकते हैं। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब मेन प्रॉब्लम पे जाते हैं कि आपका वाईफाई तो ऑन है लेकिन आपको स्पीड नहीं मिल रही। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स, आपको विंडोज़ प्लस आर प्लस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप CMD टाइप कीजिए और एंटर दबाइए। आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा CMD का। इसमें आपको PING पिंग स्पेस अपना IP एड्रेस यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। आपका IP एड्रेस के लिए आपको यहाँ पर नेटवर्क में जाना पड़ेगा, नेटवर्क सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में आपको अपना IP एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप IP एड्रेस देख सकते हैं मेरा, मैं IP एड्रेस यहाँ पर डालने वाला हूँ। और यहाँ पर मेरा IP एड्रेस डाल दिया मैंने, अब एंटर करने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी सर्वर की तरफ से मुझे रिप्लाई आ रहा है कि मेरा 5 ms का ये सर्वर कनेक्शन है। मतलब जितना कम आपका यहाँ ms होगा उतना स्पीड आपको मिलेगा फ्रेंड्स। आपका ms 1 होगा तो और बहुत स्पीड मिलेगा, अगर आपका ms 1000 या 1500 में होगा तो आपका स्पीड बहुत कम मिलेगा फ्रेंड्स, पोटेंशियल नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो अब अगर नॉर्मल स्पीड आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर स्पीड नहीं आया तो क्या करें? इसके बहुत रीजंस होते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए पहला रीज़न ये होता है कि आपका, आप जो भी वाईफाई अडाप्टर या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं अपने PC को या लैन केबल यूज़ कर रहे हैं, आपका लैन केबल में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आपका वाईफाई का अडाप्टर का कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे ही वाईफाई अडाप्टर बहुत जल्दी काम करना बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, और आपका ये दो भी अच्छे हैं तो आपका वाईफाई का राउटर जो इतना पोटेंशियल, मतलब इतना सिग्नल खींच नहीं पा रहा है तो उसका एक प्रॉब्लम होगा, या आपका मेन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स। मतलब आपको तो यहाँ पर आपका पावर होगा, आप इन्वर्टर पे यूज़ कर सकते हैं, तो किसे पता कि जो भी प्रोवाइड आपको करता है, आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, उसके पास पावर कनेक्शन नहीं होगा तो भी आपको वाईफाई दिखाएगा लेकिन आपको उसका स्पीड नहीं आएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं फ्रेंड ऐसे। आपका सब कुछ सेटअप अच्छा है लेकिन आपको फिर भी स्पीड नहीं आ रहा है तो ये वाईफाई प्रोवाइडर का प्रॉब्लम ही है फ्रेंड्स। आपको उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको आपका प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। इसके ज़रिए वो आके आपका प्रॉब्लम देख लेगा और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दे दूँगा। और जो भी वीडियोज़ जो कि आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका भी मैं ट्राई करूंगा। और बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपकी सपोर्ट के वजह से तो हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।